रहेगा नेक्स्ट टाइम न्यूज में। इस रिपोर्ट में आज हम बात करें शिवपाल को लेकर। बता रहे कि जब से यूपी के चुनाव हुए हैं उसके बाद से शिवपाल यादव लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और उसकी वजह से अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्तों में मनमुटाव का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आखिरकार क्या शिवपाल बीजेपी में ज्वाइन होंगे, इस तरीके के सवाल लगातार उठते जा रहे हैं। और इस खबर में हम यही बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने एक दांव खेला है जिसमें कहा जा रहा है कि शिवपाल जल्द ही बीजेपी के मेंबर बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस बात से परिवार में काफी ज्यादा फूट पड़ चुकी है और अखिलेश यादव तो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, क्योंकि शिवपाल यादव ने भी काफी मेहनत की है, काफी बार वो विधायक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन चुनावों में कुछ सीटें जीतने के बाद भी उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। लेकिन इस रिपोर्ट में आप ये जानिए कि आखिरकार अखिलेश यादव शिवपाल यादव को कोई पद क्यों नहीं देना चाहते हैं और यहाँ पर बीजेपी ने क्या दांव खेला है। बता दें कि चाचा भतीजा यानी शिवपाल और अखिलेश यादव की लड़ाई का फायदा भाजपा को मिल सकता है। बीजेपी शिवपाल के सहारे समाजवादी पार्टी के खिलाफ बड़ा रणनीतिक दांव चल सकती है। पार्टी रणनीतिकारों ने जिस तरह सपा खेमे में सेंध लगाते हुए विधायक नितिन अग्रवाल को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया था, वैसे ही कुछ शिवपाल के मामले में भी करने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव की भाजपा से बढ़ती नजदीकी उन्हें विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा सकती है। यदि ऐसा होता है तो शिवपाल सदन में अपने भतीजे और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के नजदीक ही बैठेंगे, क्योंकि विधानसभा उपाध्यक्ष की सीट सदन में ठीक नेता प्रतिपक्ष के बगल में ही होती है। शिवपाल यादव 6 बार के विधायक हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही अखिलेश के साथ उनका मनमुटाव खुलकर सामने आ गया है। अखिलेश ने उन्हें सपा का विधायक मानने तक से इनकार कर दिया है। ऐसे में चाचा अपने लिए नई सियासी जमीन तलाशने के लिए भाजपा की ओर झुक रहे हैं। शिवपाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं, वो सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो भी कर रहे हैं। इससे उनका भाजपा के साथ जाने के संकेत साफ साफ मिलते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि माना जा रहा है कि भाजपा के रणनीतिकारों के पास शिवपाल को राज्यसभा भेजने के अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने का भी विकल्प है और इसी पर फाइनल मोहर लगने की पूरी उम्मीद है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बार अखिलेश यादव ने बतौर नेता प्रतिपक्ष आक्रामक तेवर के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर शिवपाल को बैठाकर बीजेपी सपा प्रमुख पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले मानते हैं कि सपा विधायक शिवपाल यादव के लिए भाजपा उसी तरह की रणनीति अपना सकती है जैसे उसने तत्कालीन सपा विधायक नितिन अग्रवाल को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने के लिए अपनाई थी। नितिन सपा विधायक थे और राजनीतिक मतभेद के चलते उन्होंने साइकिल छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब नितिन अग्रवाल भाजपा से चुनाव जीतकर योगी सरकार में आमकारी मंत्री है और वही साथ में बताते चले कि शिवपाल पे लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार शिवपाल किसका दामन थामेंगे, क्या वापस से अखिलेश यादव के पास आएंगे या फिर बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवपाल को अब एक ऐसे जमीन स्तर की जरूरत है जहां पर उन्हें इज्जत और पद दोनों ही मिले। वही ये तो आपने सुना है इस खबर में कि बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चाहते है कि शिवपाल यादव हमारे यानी कि बीजेपी का हिस्सा बन जाए जिससे शिवपाल को भी फायदा हो और यहाँ पर यूपी को भी फायदा हो, क्योंकि शिवपाल यादव अपने काम में काफी ज्यादा रणमंजू एक खिलाड़ी नजर आते हैं। इस वजह से बीजेपी चाहती है कि लगातार हमारी टीम में ऐसे लोग जुड़े जो जनता से संपर्क करते हैं और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर नजर आते हैं। लेकिन अखिलेश यादव इन सारी चीजों से टूट चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है सारी खबर सुन के, क्या शिवपाल यादव जल्द ही बीजेपी को ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे और आने वाले समय में बीजेपी को शिवपाल से फायदा होगा या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ में।